नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पॉलीगॉन, बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं सर पॉलीगॉन क्यों इतना शांत है, पॉलीगॉन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, जबकि और बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं, मीम कॉइंस तक भी हैं, कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी हैं जो अच्छे खासे आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन आपका बिल्कुल शांत है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ थोड़े से कुछ शब्दों में आपको ये कहना चाहूँगा, देखो पॉलीगॉन से आप वो वाली उम्मीद मत करो कि मीम कॉइन वाला के साहब आए, धूमधड़ाम मचाया, अच्छा खासा रिटर्न दिया या लेके चले गए, वो वाला सीन पॉलीगॉन से आप बिल्कुल भी कहते उम्मीद नहीं कर सकते। पॉलीगॉन एक अलग ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, उसकी एक अलग अहमियत है। आप अभी देखिए, मैं एक चीज आपको यहां समझना चाहूंगा, जैसे आपने अभी देखा इथेरियम के स्पॉट का ईटीएफ, तो मुझे ये लगता है कि जितना फायदा इथेरियम को होगा उतना ही फायदा इथेरियम बेस्ड जो और आपके टोकन्स होंगे उनको भी होगा, उनको भी एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जितने भी और लेयर टू ब्लॉकचेन्स हैं उनको भी मैसिव आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, जिनके पास मोटी होल्डिंग होगी। अब मेरे भाई देखो, अगर आपने मान लीजिए 10, 20, 50, 100 या 1000 आपने मान लीजिए पॉलीगॉन मैटिक ले भी लिए, तो भाई उससे कितना आप रिटर्न की उम्मीद करते हो। देखिए ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें आपको अमाउंट भी मोटा ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मोटा रिटर्न मिलेगा। अब ये कहो आपने, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया भी लगा रखा है तो रिटर्न आपको 1 लाख के परसेंटेज के हिसाब से ही मिलेगा। अब किसी ने 10 लाख लगाया है तो उसको 10 लाख के परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। अब हमारी क्या उम्मीद होती है, हम ये सोचते हैं कि हमने मान लीजिए 1 लाख रुपये लगा दिए, अब उम्मीद करते हैं कि हमारा 1 करोड़ में तब्दील हो जाए, हो जाएगा, टाइम दीजिए। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके ब्लॉकचेन बेस हैं, जिनमें आपको टाइम मैक्सिमम देना पड़ेगा। मैं आपको छोटे मोटे टाइम की बात भी नहीं कर रहा, मैं इसे पॉलीगॉन से ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि अचानक से $100 का हो जाएगा, अचानक से तो भाई साहब इसमें कुछ नहीं होने जाना। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट हैं, ये नहीं इसके जैसे और जो भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हैं, क्यों, ये अपना स्लोली स्लोली डेवलप करते हैं और उसी हिसाब से इनमें प्रोग्रेस होती है। आप इनसे वो वाली उम्मीद ना करें जो ये बार बार पूछते हैं, सर पॉलीगॉन कब $1000 का होगा, कब आपका $500 का होगा। मेरे भाई आप लेके भूल जाओ, $500 भी होगा, $1000 भी होगा, क्या BTC रातों रात आपका इतना हो गया, नहीं, कितने साल लगे उसको आपको खुद पता है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में है तो भाई फिर ऐसा ही कुछ टाइम आपको ऐसे प्रोजेक्टों को भी देना पड़ेगा। तो ये तो उनके लिए जवाब था जो ये चाहते हैं कि फटाक से $1500 का हो जाए, $1000 हो जाए, 100x हो जाए, 1000x हो जाए। मेरे भाई ये हवा हवाई बातें हैं, कहने को मैं भी कहता हूँ ठीक है $1000 का हो जाएगा, लेकिन भाई टाइम टेकिंग, तो आप वो टाइम कितना होगा ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर कि वो आगे और कितनी डेवलपमेंट कर पाता है। फिलहाल तो देखिए, अगर मैं पॉलीगॉन के बारे में का आपको जो अभी लेटेस्ट डाटा है, जो कहते हैं 10 से 12 घंटे पीछे का डाटा है, तो उसमें आप देखिए टोन के बाद ट्रांजेक्शन के मामले में पॉलीगॉन मैटिक सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, ऑक्सी पॉलीगॉन हैज द सेकेंड मोस्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑल चेन इन वेव 3, जस्ट स्लाइटली बिहाइंड टोन। तो आप ये देख लीजिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, यूज केस भी अच्छा है, लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन के मामले में मैंने कहा ना सेकंड नंबर पे, BNB यहां पर आपका थर्ड नंबर पे है और आपका टोन आपका चौथे नंबर पर है, आर्बिट्रम आपका छठवें नंबर पे है। तो ये अब ये क्या यूज केस ही है इसका कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि आपका प्राइस उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब धीरे धीरे देखिए ये चीजें चलनी हुई है, अब अभी तक क्या था, सब कुछ BTC पर निर्भर था, अब यहां कहीं ना कहीं इथेरियम का भी नंबर आ गया, इथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो गया, अब और जो ब्लॉकचेन्स हैं इनका नंबर भी आएगा, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा भाई, जिसके पास भी पॉलीगॉन मैटिक है थोड़ा सा धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए, डेवलपमेंट के मामले में अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धूमधड़ाका वाला कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जैसे आप सोलाना में देखते हैं। सोलाना बहुत धूमधड़ाके के साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आता है, जैसे आप सोलाना ब्लॉकचेन पर जिस तरीके से मीम कॉइन्स आ रहे हैं, कुछ इस टाइप का सीन अभी पॉलीगॉन मैटिक में नहीं है। कुछ ऐसा अगर हुआ तो देखिए फिर सोलाना और आपका पॉलीगॉन कुछ उछलते हुए नजर आ सकते हैं। सोलाना तो पहले ऑलरेडी आपका जो है अच्छा खासा उछल ही रहा, क्यों, उसके इकोसिस्टम पर जो टोकन्स आ रहे हैं वो उसको और ज्यादा हाइप दे रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि पॉलीगॉन को भी करना चाहिए, इनकी टीम को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन ये कुछ जो एक अलग ही वेव 3 की तरफ को अपना मोटिव लेके चल रहे हैं, जो एक लॉन्ग टाइम है, टाइम टेकिंग है, उतना आपके पास अगर पेशेंस है तो पॉलीगॉन में रहिए, वरना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप फिर मीम कॉइंस की तरफ जा सकते हैं, जो जेब भी भर सकते हैं और जेब खाली भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ पॉलीगॉन का हाल, जो लोग ये चाहते हैं कि रातों रात वो $1000 का हो जाए, मेरे भाई नहीं होगा, टाइम लगेगा,
हो जाएगा, तो उतना टाइम आपके पास है या नहीं है वो डिसीजन आपको करना है। अब अगर प्राइस वाइज अगर देखते हैं तो देखिए मैं इसको देख रहा हूं करीब करीब 9 अप्रैल से, 9 अप्रैल को इसका प्राइस जो है लगभग $0.95 के आसपास था, यानी आप ये मान सकते हैं कि $1 के आसपास का रहा था 8-9 अप्रैल को। वहां से फिर एक इसमें अच्छा खासा डंप आया कि उधर BTC में गिरा तो इसमें भी गिरावट आई। उसके बाद तो देखिए ये आप 12 अप्रैल से लेकर आज की डेट तक एक ऐसा चैनल पकड़ लिया है जिसको ये नहीं ब्रेक कर पाया, यानी इसको अगर इसको ब्रेक करना है तो 0.77 का जो अपना एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ये 9.2 की सीरीज तक जा सकता है, यानी $0.92 के आसपास तक जा सकता है। पहले तो इसी को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 77 की एक तरह से रेजिस्टेंस को, जहां से ये कई बार जो है टक्कर खाके और नीचे आया है। लेकिन ये बहुत दिनों से, आप ये मान लीजिए कितना 12 अप्रैल से और आज देख लीजिए यही घूम रहा है। बहुत थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल सा हो रहा है कि यहां से ऊपर निकले तब कुछ बात बने। तो वही है, देखिए ये मैंने कहा ना टाइम टेकिंग, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मैंने आपको प्राइस वाइज बता ही दिया कि अभी इसका जो प्राइस करंट में 72 की सीरीज के आसपास चल रहा है, $0.72। तो अब यहां से मैंने आपको ये लेवल भी बताया कि भाई अगर ये 77 को तोड़ता है, यहां से कुछ ऊपर निकलता है तो आपका 9.2 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन आप ये कहो कि अचानक से ये $2-10 चला जाए, भाई इतनी जल्दी ये सब उम्मीदें मत करो। एक उम्मीद जगेगी जब थोड़ा सा और एक अच्छा खासा बुल रन टाइप का हिसाब चलेगा तब। बाकी तो देखिए आपका $1.3 के आसपास तक जब गया था 12 मार्च के आसपास, तब से लेके अभी तक इसमें एक डाउनफॉल ही कंटिन्यू चल रहा है। तो अब ये मान लीजिए आप मार्च से, यानी 12 मार्च से लेके कंटिन्यू डाउनफॉल है, एक बार भी इसने एक अच्छा मूव दोबारा से बैक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो प्रोजेक्ट है ना वो एक अलग ही दिशा में चल रहा है, जो अपनी वेब 3 वाली दुनिया है उस तरफ जा रहा है। अब सोलाना की तरह ये भी कुछ ऐसा करें तो फिर इसमें भी एक अच्छा खासा आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मूव दिखाई दे सकता है। तो वो शायद मुझे अभी ऐसा उम्मीद कुछ लग नहीं रही है। ट्रांजेक्शन वाइज मैंने आपको समझाई दिया क्या चल रहा। तो अभी आपको इसके दो लेवल ध्यान रखने पड़ेंगे, एक तो आपका हो गया ये 77 का, जो अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा, तो आपका ये जा सकता है फिर आपका 9.2 की सीरीज तक। हाँ, इसको अगर 9.2 को भी ऊपर निकलता है फिर आपका $1 के ऊपर ये चलने लगेगा। लेकिन कितना जाएगा ये भी एक क्वेश्चन रहता है, सर कितना जाएगा? तो भाई डिपेंड करता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर और आगे आने वाले बुल रन पर कि वो कितना हाइप क्रिएट करेगा। अगर उसने अच्छी हाइप क्रिएट करी तो पॉलीगॉन भी एक अच्छी हाइप क्रिएट करेगा, मैसिव रिटर्न आपको देगा। लेकिन भाई ये हवा भाई बात करना ठीक नहीं है, $1,000 चला जाएगा, 1000x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। मेरे भाई कहना बहुत आसान है, उसके लिए ये मनी चाहिए होता है, उतना मनी भी तो आना चाहिए। तो वो सोलाना जैसी हाइप अभी पॉलीगॉन में नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।